स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट इंटरवेन करे, जो विधानसभा का चुनाव है वह जबरदस्ती करवाया जा रहा है। हमारी जैसी पार्टी वर्चुअल और डिजिटल के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। और अभी जिस हालात में बिहार है, जांच की प्रक्रिया नीतीश कुमार ने साजिश के तहत बंद कर दी। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। पप्पू यादव के एक बयान से राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। पप्पू यादव ने कहा था विधानसभा चुनाव रद्द की जाए, अगर रद्द नहीं होता है तो हम कोर्ट भी जाएंगे। तो इस बयान से कुछ लोग सहमत भी है, कुछ लोग को आपत्ति भी है। आइए सुनाते हैं बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है। देखिए, चुनाव कराना सरकार का काम नहीं होता है। मैं कहना चाहूँगा पप्पू यादव जी से कि एक बार वो कम से कम इसकी जानकारी जरूर ले लें कि चुनाव सरकार कराती है या चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग का जो निर्देश होगा उसका पालन सरकार करेगी। सरकार अगर चुनाव आयोग चुनाव कराती है तो सरकार उस चुनाव में जाएगी, अन्यथा चुनाव आयोग यदि चुनाव नहीं कराएगी तो उसमें किसी को क्या आपत्ति है। उन चुनाव आयोग के प्रतिनिधि आए थे बिहार के अंदर, ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और उस ऑल पार्टी मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों ने अपना अपना विचार रखा था। इनको अगर कोई आपत्ति है तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, ये सरकार के पास आकर के क्या करेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं पप्पू यादव जी को एक सलाह देना चाहता हूँ। अभी कल ही ये इधर चंपारण से लेकर के और सारण के दौरे पर थे, और जिस प्रकार से इस दौरे पर उनका स्वागत किया गया और जिस प्रकार से एक दूसरे पर में से लोग गुत्थम गुत्था थे, मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि जरा सा वो कोरोना काल में जो अपने जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, जो ICMR है, उसके जो गाइडलाइन है उसका वो पालन करें। और यदि इस प्रकार से करने से कोरोना फैलेगा, उसमें आम जनता आई हुई थी, आम लोग थे, उनको ऐसे आयोजनों को से परहेज करना चाहिए, उससे अलग रहना चाहिए। और सरकार को कोई सलाह देने से पहले या चेतावनी देने से पहले उनको नियमों का ज्ञान रखते हुए चुनाव आयोग को अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहिए। चुनाव आयोग निश्चित रूप से संज्ञान लेगी और जो कहेगी सो करेंगे। और ICMR और फिर जो कोर्ट कोई अगर जा रहा है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उनको किसके खिलाफ जाना है जरा ये भी तो उसका ज्ञान होना चाहिए उन्हें। चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है और वो संस्था पूरे देश के अंदर चुनाव कंडक्ट करती है। चुनाव आयोग अगर निर्णय लेती है कि हम चुनाव कराएंगे तो फिर चुनाव होगा, अगर चुनाव आयोग निर्णय लेती है कि चुनाव नहीं कराएंगे तो नहीं होगा। इसमें सरकार कहाँ है, सरकार इसमें कहाँ है। और इसलिए उनको इसका ज्ञान होना चाहिए कि चुनाव सरकार नहीं कराती है, चुनाव आयोग कराती है।